हेलो दोस्तों, तो टाइटल टैग देख के तो पता चल गया होगा कि क्या हुआ मेरा साथ में। जी हाँ दोस्तों, मैं बाहर गया हुआ था और कल शाम को यहाँ पे पहुँचा घर पे, और जैसे ही मैं ताला खोलने के लिए गया तो देखा कि आरी ब्लेड से उसको काट दिए हैं और घर का अंदर घुसे और जितना भी सामान था घर में पूरा सामान ले गए हैं। करीब 60-70 हज़ार का सामान था, पूरा ले गए हैं। तो जब मैं देखा कि घर चोरी हुआ है और घर का सामान पूरा ले गए हैं, तो तुरंत ही मैं गया पुलिस में FIR देने के लिए, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो रेलवे एरिया है, तो रेलवे पुलिस का अंडर में आता है। तो रेलवे पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे गए कंप्लेन करने के लिए। वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैं FIR लिखाया। उसके बाद मैं वो लोगों बोले कि हम लोग आपका घर आएंगे और चेक करेंगे क्या क्या चीज़ था, क्या नहीं था और कहाँ पे था, और घर को साफ़ सफाई मत करिए और कुछ भी टच मत करिए, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। तो हम लोग भी किसी चीज़ को टच नहीं किए और जैसा था सब वैसा ही पड़ा हुआ था। हम लोग बैठे हुए थे घर में, पुलिस वाला बोले कि आप घर में जाओ और बैठो, हम लोग पहुंच रहे हैं। तो घर में हम लोग आके बैठे थे, उनका वेट कर रहे थे कि कब आएंगे। और जैसे ही वो लोगों आए तो उन लोगों को हम लोग बता दिए कि घर में क्या क्या सामान चोरी हुआ है, कहाँ पर रखा था, क्या है, सब कुछ। तो अभी मैं गोलू के पास जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि गोलू को एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला था मैं, और सो के उठा है या नहीं क्या पता। गोलू, गोलू, और घर में किसी का भी मन ठीक नहीं है ये सब घटना के लिए। तो अभी मेरे को फिर से वहाँ पर बुलाए हैं दोस्तों, और अभी मैं निकल रहा हूँ गोलू को साथ में लेके, वो FIR का कॉपी लेके जा रहा हूँ। तो ये गोलू लोंग का घर है दोस्तों, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ये गोलू लोंग का घर है, और इस साइड में जो आप ये देख रहे हैं ये हम लोंग का घर है। तो एक्चुअली में दोस्तों ये हम लोग का घर नहीं है, ये मामा लोग का घर है। मामा लोग दिए हैं हम लोग को रहने के लिए, कहे हैं कि जब तक मन लगे तब तक यहाँ पे आप रह सकते हो। तो ये FIR कॉपी है दोस्तों, और इसको गोलू को बोला लिखने के लिए, गोलू लिखा है। इसको अभी लेके हम लोग थाना जा रहे हैं। घर से निकलने में दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया, तो मेरे को अभी थाना से मेरे को फिर से फ़ोन किए हैं, वहीं जा रहा हूं मैं अभी। तो अभी हम लोग ये GRP थाना पहुंच चुके हैं, तो वहां से अभी मैं आ चुका हूं दोस्तों। और कितना मुश्किल से हम लोग एक एक पैसा बचा के ये सब सामान उमान सब खरीदे थे घर के लिए, और घर का जो है सामान पूरा चोरी हो गया है, कुछ भी नहीं है घर में। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर को भी चोरी करके ले गए हैं। कल रात को हम लोग भूखे पेट ही सोए, खाना भी नहीं खाए, क्योंकि इधर जैसे चोरी हुआ पहुँचे घर देखे तो सामान उमान सब चोरी हो गया है। तो हम लोग थाना यहाँ दौड़ते दौड़ते टाइम हो गया, तो और गैस सिलेंडर भी नहीं है तो खाना कैसे बनेगा। होटल से लाता लेकिन इधर उधर हो के मेरे को टाइम नहीं मिला, जिसका चलते मैं होटल से भी खाना ला नहीं पाया और खाली पेट ही कल रात को सोना पड़ा। और बहुत ख़राब लगता है दोस्तों कि एक एक पैसा जोड़ के हम लोग एक सामान खरीदते हैं और वही सामान चोरी करके ले गए। तो घर से जो चोरी हुआ है टोटल अगर काउंटिंग करेंगे तो 40-50 हज़ार का सामान जो है चोरी हुआ है। अब उतना सामान खरीदने में फिर
कितना टाइम लग जाएगा हम लोगों को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 से 50 हज़ार का चोरी हुआ है, और 40-50 हज़ार दोस्तों मेरे लिए बहुत मायने रखता है।